बढ़िया हेलो क्यूआरटी का खिलाड़ी आदमी ठीक है और ये जो आपके सामने अभी ध्वस्तीकरण हुआ है ये पहले कभी पार्क की ज़मीन हुआ करती थी, अभी भी पार्क की ज़मीन है। इसमें धीरे धीरे भूमाफियाओं ने कब्जा करके और इसमें जो सबसे बड़े भूमाफिया आपके मेरठ के बदन सिंह बद्दो और उनके सहयोगी, उन्होंने कब्जा किया हुआ था और उसी में एक रेणु गुप्ता के नाम से इन्होंने यहाँ पर ये बिल्डिंग बना रखी थी, जिसका MD ने पूरे लीगल प्रावधानों का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। देखिए, काफ़ी दिन से ये प्रकरण चल रहा था। आपको जानकारी होगी कि पीछे कुछ समय जो बदन सिंह बद्दो नाम का एक बड़ा माफिया रहा जो इसमें फरार चल रहा है, उसके द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और तमाम ऐसे गठजोड़ों का इस्तेमाल करके जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी अथवा जो सार्वजनिक संपत्ति थी उन पर कब्जा करके और कागज़ों को अपने पक्ष में करके जो है इस प्रॉपर्टी को अपने लिए यूटिलाइज़ किया गया या अपने जो अपने साथी थे उनको उस पर कब्ज़ा करा दिया गया। इसी तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ जगन्नाथपुरी थाना TP नगर में चिन्हित करी गई हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी को आज कब्ज़ा मुक्त भी कराया गया है और MDA की टीम ने उस पर जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त किया है पुलिस की मदद से। इस प्रकार से और भी कुछ संपत्तियाँ चिन्हित करी गई हैं, ये कार्रवाई जारी रहेगी। कब्जाधारक का नाम यहाँ पर लेना उचित नहीं है, लेकिन यह है कि ये इनडायरेक्टली ये जो बद्दो बदन सिंह बद्दो है उससे जुड़ी हुई थी और इस प्रकार के और दो तीन लोग हैं जो कब्जा धारक थे, जो गलत रूप से अपने नाम उस प्रॉपर्टी को करा लिए थे, जिसकी बाद में तस्दीक करी गई और बताया गया MDA के द्वारा कि ऐसा इलीगल रूप से कराया गया था, उन कब्जा धारकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो रेणु गुप्ता है वो कौन है, MDA ने उनका नाम सार्वजनिक करा है और दूसरा क्या इसमें भाजपा के कुछ पार्षद भी शामिल हैं? देखिए, मैंने आपका कहा कि बिना किसी का नाम लिए मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की गठजोड़ से जुड़ा हुआ था, ऐसी कार्रवाई से जुड़ा हुआ था जिसके द्वारा भी कोई अवैध कार्य करके ऐसी प्रॉपर्टी अपने नाम कराई गई या उस पर अवैध रूप से कब्जा किया, ऐसे किसी भी व्यक्ति को चाहे किसी भी प्रकार का उसका सामाजिक स्तर हो या कोई भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हो, उसके बावजूद उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। ये तो अवैध रूप से उन्होंने पार्क पर कब्जा करके दुकानें बनाई थी, क्या जिन लोगों का कब्जा था उनकी और संपत्ति की भी जाँच
करवाई जाएगी और उनके बारे में जांच करी जाएगी? जी हाँ, निश्चित रूप से उसकी भी जांच करी जाएगी।